आप देख रहे हैं दखल न्यूज। G20 समिट में ब्रिक्स की भी अनौपचारिक बैठक हुई। मोदी बोले आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, 3 जवान शहीद, 1 लड़की की फायरिंग में हुई मौत। भाजपा नेता और अफसर के बीच मारपीट, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बैट लेकर मैदान में, बीजेपी विधायक ने धमकाया अधिकारियों को। इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन इस्तीफा देने को कोई भी तैयार नहीं। और आंगनबाड़ियों के हाल है खराब, लेकिन मंत्री लगवाएंगे आंगनबाड़ी में एसी और कूलर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। जापान के ओसाका में 2 दिवसीय G20 समिट की शुरुआत हुई। G20 बैठक में ब्रिक्स की भी अनौपचारिक बैठक हुई। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन भी शामिल हैं। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। ये ना सिर्फ मासूमों की जान लेता है, बल्कि इसकी नकारात्मकता आर्थिक विकास और धार्मिक सौहार्द को भी प्रभावित करती है। हमें आतंकवाद को सहयोग करने वाले हर माध्यम पर रोक लगानी होगी। इसके पूर्व समिट में भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारत अमेरिका के बीच व्यापार, 5G, रक्षा क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई भी दी। पीएम मोदी ने इस पर उन्हें धन्यवाद दिया। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका से 4 मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें ईरान, 5G, व्यापार और रक्षा क्षेत्र शामिल रहे। इसी दौरान मोदी ने JAI का मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि जापान, अमेरिका और भारत को मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है। हाल ही में 2 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा से वापस लौटे अमित शाह ने सदन में ये प्रस्ताव रखा। वहीं दूसरी ओर शाह के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। सांसद मनीष तिवारी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के लिए बेहद अहम है। गृह मंत्री बनने के बाद से ही अमित शाह का जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने पर खास नजर बनी हुई है। हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर भी उन्होंने घाटी में आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जा रहे सेना और पुलिस के कदमों की समीक्षा की थी। शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों को आरक्षण मिले, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देशित किया। प्रस्ताव रखने के दौरान अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना जरूरी है, लेकिन शाह के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। जम्मू कश्मीर से, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का विषय हो, हर विषय के अंदर इनिशिएटिव लेने का काम ये राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50,000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है।
और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं नक्सलियों की गोली से 1 लड़की की मौत हो गई और 1 लड़की घायल हो गई। वहीं राजनांदगांव में भी पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जहां से नक्सली अपना सामान छोड़कर भाग गए। बीजापुर में गश्ती दल के जवानों और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के नाम ओपी माझी, महादेव पाटिल और एचसी साजी बताए गए हैं। ये तीनों ही सीआरपीएफ के जवान थे। गश्त के दौरान माओवादियों ने एम्बुश लगाकर इन पर हमला किया। क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर 1 नाबालिग युवती की मौत हो गई और 1 आदिवासी नाबालिग घायल हो गई। घायल बच्ची का नाम रिंकी हिमला और मृत बच्ची का नाम जिम्बी तेलम है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के केश कुतुल गांव में नजदीक यह मुठभेड़ हुई। दूसरी ओर राजनांदगांव जिले के औंधी थाना क्षेत्र में जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुए हैं। घटनास्थल से 1 .303 राइफल, 2 12 बोर, 1 भरमार बंदूक, 1 नग एयर गन, वायरलेस सेट और भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने के और मारे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। जिला पुलिस बल, DRG, STF और ITBP की संयुक्त टीम ने एक कार्यवाही को अंजाम दिया है। आज बीजापुर जिले के केस कपूल और भैरमगढ़ के बीच में केस कपूल से 199 बटालियन की सीआरपीएफ की पार्टी मोटरसाइकिल पे आ रही थी, उसको केस कपूल और भैरमगढ़ के बीच पुलिया के पास उनको एम्बुश किया गया और मोटरसाइकिल पार्टी पे नक्सलियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उसी के साथ साथ में एक पिकअप वाहन आ रही थी उस पर भी नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक निर्दोष बच्ची की जान चली गई। साथ साथ में सीआरपीएफ के 3 जवान, 2 जवान मौके पे हो गए थे और बाकी 1 इलाज के दौरान शहीद भी हुए। और निसंदेह एक बहुत बड़ी घटना है, साथ में एक बच्ची को खोना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है और बहुत ही अशोभनीय घटना है। निसंदेह हम इसके लिए खेत और साथ ही साथ जिन जवानों ने शहादत दी है उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे और क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन चलता रहेगा और इस प्रकार की भविष्य में घटना नहीं हो उसके लिए जो भी उपाय करने हैं सारे उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के रस्को मॉडल के तहत रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नए कंस्ट्रक्शन में सोलर पैनल को जरूरी करने के प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में पड़ी बंजर जमीनों में सोलर ऊर्जा का स्टोरेज किया जाएगा ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कन्हैया सैया स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 650 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। कमलनाथ ने सौर ऊर्जा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार योजना बना रही है कि जो भी नए कंस्ट्रक्शन हो उनमें सोलर पैनल लगाना आवश्यक हो। कंस्ट्रक्शन के लिए सोलर पैनल लगाने की शर्त रखी जाएगी। विनोबा भावे पुरस्कार की घोषणा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि यह पुरस्कार मध्य प्रदेश और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिलकर देगा। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि जो भी नया कंस्ट्रक्शन हुए बिल्डिंग्स का उसमें एक ऐसी शर्त हो कि सोलर पैनल्स लगे, भविष्य में जो भी बिल्डिंग्स आए उनमें सोलर पैनल लगाना कंपल्सरी हो। कमलनाथ ने कहा कि सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे सोलर पंप अवार्ड दिया जाएगा। शिलान्यास समारोह के दौरान यह घोषणा करते हुए श्री नाथ ने कहा कि सरकार ई रिक्शा को बढ़ावा देगी। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही सस्ते परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बिजली स्टोरेज को बहुत बड़ा ऊर्जा का सोर्स बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में स्टोरेज के लिए काफी जमीन है। बंजर पड़ी जमीनों पर स्टोरेज की सुविधा की जाएगी ताकि दिन में सूर्य ऊर्जा को स्टोर किया जाए और रात में उसका उपयोग हो सके। रामनगर में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल ने नगर पंचायत CMO देव रत्नम सोनी के बीच का विवाद मारामारी तक पहुंच गया है। इस मारपीट में दोनों लोग जख्मी हो गए हैं। इस मामले में भी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इस मारपीट के समय जिला मुख्यालय में DIG का वार्षिक निरीक्षण चल रहा था। इस दौरान CMO ने कई बार थाना प्रभारी को फोन लगाया लेकिन पुलिस की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उधर इस मामले में कुछ देर बाद नगर पंचायत अध्यक्ष भी घायल हालत में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। उन्होंने भी CMO पर मारपीट का आरोप लगाया।
इस घटना को लेकर डीआईजी ने एसपी से मामले की पूरी जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद में आज बैठक के दौरान ही हंगामा शुरू हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि बजट को लेकर लंबे समय से सीएमओ और अध्यक्ष के बीच खींचतान चल रही थी। कई बार अध्यक्ष ने सीएमओ को खुली चुनौती दी थी तो कभी सीएमओ ने अध्यक्ष को, लेकिन आज इस दोनों के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सीएमओ ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अध्यक्ष के हौसले बुलंद होते गए और स्थितियां बिगड़ गई। टीआई सती मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 17 से 18 में 4 से 5 हितग्राहियों को राजेंद्र सिंह पूर्व विधायक की इशारे पर देवरत्नम सोनी द्वारा आपात कर दिया गया, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। माननीय SDM साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर महोदय द्वारा उनको पात्र किया गया था और सूची का अनुमोदन किया गया था। मैं उसी को लेके 4 लोगों 5 लोगों को निलंबित किया। PIC में बैठक में उनको निलंबित कर दिया। आवाज परिषद की बैठक होनी थी तो बैठक में जब ड्यूटी राकेश वर्मा की लगा रहा था, राकेश वर्मा को कल PIC में निलंबित कर दिया गया था। मैं बोला कि आप जो व्यक्ति निलंबित है उसके अलावा दूसरे की ड्यूटी आप लगाइए। जब उनसे कहने गया तो मेरे साथ में मारपीट कर लेगी, आपने 5 लोगों को निलंबित क्यों करवाया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर दमोह युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने भी दमोह नगर पालिका के लेखाधिकारी अनिल गुप्ता को क्रिकेट का बैट दिखाकर धमकी दी है। बीजेपी नेता विवेक अग्रवाल दमोह नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने लेखाधिकारी के कक्ष में जाकर क्रिकेट का बैट दिखाते हुए धमकी दी कि यदि ठीक से काम नहीं किया तो उन्हें मजबूर होकर विधायक आकाश की तरह इस बैट का उपयोग करना होगा। ये बात खुद विवेक अग्रवाल ने स्वीकार करते हुए बताई। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अग्रवाल का कहना है कि उनके वार्ड में अभी भी ऐसे 36 हितग्राही हैं जिन्हें PM आवास की किस्त नहीं मिली है। इस कारण उनकी छतों का स्लैब नहीं डल पा रहा है। कार्यालय में क्रिकेट का बैट लेकर बैठे अग्रवाल की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 2 बार के विधायक मोहन मरकाम और वरिष्ठ आदिवासी विधायक मनोज मंडावी ने मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और मंत्री TS सिंहदेव ने इन दोनों नामों की पैरवी राहुल गांधी से की थी। मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के लिए नए अध्यक्ष के मुद्दे पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन चला। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के कई नेताओं से चर्चा की जिसके बाद यह फैसला सामने आया है। राज्य में 1.5 दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए। 11 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्ति चाह रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अमरजीत भगत, मोहन मरकाम और मनोज मंडावी के नामों की चर्चा जोरों पर थी। इसको लेकर पार्टी में मंथन भी चल रहा था। इन 3 दावेदारों में से अमरजीत भगत को जहां भूपेश मंत्रिमंडल में जगह देने की तैयारी है, इस मामले पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी मरकाम और मंडावी से बात कर चुके थे। फसल का उचित दाम न मिलने एवं मंडी सचिव के लचर रवैये से परेशान होकर किसानों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर ताला डाल दिया। किसानों का आरोप है कि मंडी सचिव और दलालों के बीच मिली भगत है जिसके कारण सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों के साथ अभद्रता भी की जा रही है। चुनाव आते ही सभी पार्टियों को किसानों का दर्द दिखने लगता है और वोट के चक्कर में किसानों पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मामला गाडरवारा कृषि उपज मंडी का है जहां किसानों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। मूंग के सही दाम न मिलने से गुस्साए किसानों ने पहले मंडी गेट बंद किया और कलेक्टर को मंडी बुलाने की बात पर अड़ गए। कुछ समय बाद SDM राजेश शाह मंडी पहुंचे और किसानों की बातों को गंभीरता से लेते हुए किसानों और मंडी के अनाज व्यापारियों के बीच बैठक मामले को सुलझाया।
एडमिट तो क्यों लेंगे, बिन को रेट है, अपना रेट कहाँ किसान रेट तो नहीं को है। मानो जाएगा जो माँ लिए का यह और दो प्रकार को लिया रहा तो के पे जा समस्या तो किसान कम से कम 500 रुपया को नुकसान पक्को हो रहा होगा। माँ लिए का ही है तो ढेर जाम लगा दें भाई 5,000 रुपये कई भाई 4.5 मांग रहे हैं। आज कृषकों का मूंग के रेट कम होने के कारण विवाद की स्थिति बन गई, इसमें व्यापारियों पर थोड़ा दबाव बनाया गया और तो उनके द्वारा कहा गया कि ऊपर जो दिशावर हमें दिख रही उस हिसाब से हम खरीद रहे। तो कृषकों की स्थिति ये है कि जो समर्थन मूल्य बना गया है MRP जो निश्चित की गई है केंद्र गवर्नमेंट से, उस पर न बिकने के कारण आज यहाँ किसानों का हंगामा हुआ है। मौसम की मार झेल रहे किसानों को अब मंडी में भी उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। साठगांठ के कारण व्यापारी हर फसल समर्थन मूल्य से कम दाम में खरीद रहे हैं। सरकार भले ही बदल गई पर किसानों के हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों के मसीहा बन रहे कमलनाथ सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह फिर किसानों को उनके हाल में ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मंडी में इस समय मूंग की आवक हो रही है और इस बार मूंग की क्रॉप भी अच्छी हुई है। इसमें थोड़ा सा प्रबंधन में कमजोरी भी दिखी है। किसानों की मांग जो पहले से चली आ रही है, एक तो नीतिगत मामलों को लेकर है कि जो मूंग का भाव है वो उसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो उसके संबंध में है, जो रेट अपने हिसाब से वो चाहते हैं। दूसरा जो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएँ होती हैं उनका कहना है कि जो व्यापारी लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके और मूल्य को नीचे गिराते हैं। इस संबंध में हमने अभी चर्चा की है, व्यापारियों से भी की है और किसानों से भी की है। हम निरंतर निगरानी रखेंगे और इस प्रकार की गतिविधियां अगर साक्ष्य पाई जाती है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम में ना बुलाए जाने से नाराज गन बासोदा से भाजपा विधायक लीना जैन ने अपनी गरिमा को लांघते हुए डायरेक्टर को नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। जनपद कार्यालय में हुई बैठक में विधायक ने धमकी भरे अंदाज में अधिकारी से कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। गन बासोदा विधायक लीना संजय जैन ने ग्यारसपुर के जनपद कार्यालय में हुई बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाओगे। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लीना जैन ने शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ग्यारसपुर क्षेत्र में कृषि विभाग के आयोजन की जानकारी विधायक को न देने एवं उसमें पूर्व विधायक को आमंत्रित करने को लेकर विधायक गुस्से में थी। कृषि विभाग के अधिकारी चौधरी को फटकार लगाते हुए विधायक लीना जैन ने कहा कि आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीज वितरण कार्यक्रम में अधिकारियों ने पूर्व विधायक को बुला लिया जबकि बीज वितरण करवाया और प्रोटोकॉल के नियमानुसार वर्तमान विधायक की उपस्थिति में ये होता है। लीना जैन का कहना था कि ग्यारसपुर में शिक्षण सत्र की शुरुआत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया एवं किसानों को किट वितरण के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में भी जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए अधिकारी को ठीक तरह से काम करने के लिए नसीहत दी है। कौन कौन उपस्थित था वहाँ पे? जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, कृषि सभापति प्रतिनिधि और पूर्व विधायक। पूर्व विधायक किस अध्ययन से थे उपस्थित वहाँ पे? प्रोटोकॉल में थे वो? विधायक नहीं था प्रोटोकॉल में? चौधरी जी आप समझ जाइएगा, आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आकाश विजयवर्गीय के बैट कांड के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो गया है। बीजेपी राज में बीजेपी के नेता कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज को लोगों की सुरक्षा के लिए पदयात्रा करनी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाने वाला चरित्र उजागर हो गया है। बीजेपी सरकार में प्रदेश बलात्कार में पहले नंबर पर था और कांग्रेस के राज में प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। बंगाल में बीजेपी अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है। तोमर ने शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज को लोगों की सुरक्षा के लिए पदयात्रा करनी चाहिए। इंदौर में घटना घटी है, बताइए, सरेआम अधिकारी पिट रहा है, इसका संदेश पूरे सरकारी कर्मचारी देख रहे हैं, क्या जाएगा? भय आतंकित होंगे। मैं तो कहता हूं इसमें और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। और मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करूंगा कि प्रदेश के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनको पदयात्रा करनी चाहिए, उस पदयात्रा में मैं शामिल होऊंगा। तोमर ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है, कांग्रेस में चिंतन करके फैसला होता है। तोमर में मंत्रियों के बीच हुए विवाद को नकारते हुए कहा कि मंत्रियों के बीच विवाद की बात गलत है। तोमर ने अधिकारियों को भी चेताया और कहा कि अधिकारी मनमानी करेंगे, उन्हें हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाई कोर्ट की युगल पीठ ने जनहित याचिका का जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया और मां माधवी राजे सिंधिया पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश भी दिया है। सिंधिया पर महलगांव हलके में शासकीय जमीन बेचने का आरोप है। ग्वालियर में उपेंद्र चतुर्वेदी ने वर्ष 2014 में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महलगांव हलके का सर्वे क्रमांक 1211 व 1212 भूमि शासकीय है, इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके ट्रस्ट ने जमीन नारायण बिल्डर्स को बेच दी। बिल्डर ने जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी। उन्होंने मांग की थी कि जमीन की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर मामले की जांच कराई जाए। कोर्ट ने शासकीय भूमि के विक्रय पर सिंधिया परिवार के 3 सदस्यों को जवाब पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसे भी अनसुना किया जा रहा था। उनके वकील बार बार समय ले रहे थे। बुधवार को फिर इस जनहित याचिका की सुनवाई की गई, लेकिन सिंधिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य की बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य की माता माधवी राजे सिंधिया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और 2 सप्ताह में तीनों को जवाब पेश करने का आदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खुलासे के बाद अधिकांश कांग्रेस नेता इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा कोई नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, पार्टी हाईकमान कहेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो चाहेगा वह मैं करूंगा। अगर पार्टी का हाईकमान चाहेगी कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, वे जो भी कहेंगे वह उचित ही होगा। नहीं, पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी कहेगी इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे देंगे, पार्टी कहेगी काम करो काम करेंगे। जो पार्टी हाईकमान चाहती है वो प्रभुराम चौधरी चाहते हैं। शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर एप्लीकेशन जमा होने पर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। सहकारी मंत्री गोविंद सिंह ने विधायक आकाश विजयवर्गीय के नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई पर भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जैसी संस्कृति और ट्रेनिंग दी गई है वैसा ही हो रहा है। राहुल गांधी के नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने को लेकर गोविंद सिंह ने कहा कि जब लोकसभा में जनता ने पसंद ही नहीं किया तो हमें अपने पद को त्याग देना चाहिए। राहुल गांधी के नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने को लेकर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राजनीति में नैतिकता नहीं रहेगी तो मान सम्मान भी नहीं रहेगा। मेरा कहना तो ये है कि अगर जनता ने हमें पसंद नहीं किया तो हमें पद त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल पहले दीपक बावरिया जी के कहने पर उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा दे दिया था। कमलनाथ के इस्तीफे की पेशकश वाले बयान पर कहा कि यह उनका निजी बयान है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी संस्कृति है वैसा वो काम कर रहे हैं। जिनको लोगों को, बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती हो कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लो, वैमनस्य भाईचारे को तोड़ने का कैसे काम हो सकता है, धार्मिक भावना उन्माद करा के देश को कैसे बांटा जा सकता है, इन प्रकार की ट्रेनिंग शुरू से ही बचपन से उनके
माँ बाप ने माता पिता ने दी और बची खुजरी संघ में जिस प्रकार की ट्रेनिंग सबको मिली है उसका वो उसी का उदाहरण है, उसी का प्रतिफल है कि इस तरह के ये कृत्य कर रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय के बैट कांड के बाद अब मामले ने सियासी रूप धारण कर लिया है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था हाथ में लेकर उन्माद पैदा करने का कार्य भाजपा द्वारा किया जाता है। इनकी शाखा में ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा माँ बाप ने सिखाया है वो वैसा ही कर रहे हैं। एमपी के खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि हर परिस्थिति में पूरी तरह कांग्रेस राहुल गांधी के साथ है। खुद को राहुल गांधी का अंधभक्त बताते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कभी पद का मोह नहीं किया। मंत्री जीतू पटवारी ने खुद को राहुल गांधी का अंधभक्त बताया और कहा कि हर परिस्थिति में हम लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा गांधी परिवार ने देश के लिए त्याग किया है, कांग्रेस में कहीं कोई असमंजस नहीं है, राहुल जी ने हर निर्णय के साथ सब कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं, गांधी परिवार देश के लिए अडिग खड़ा रहा, प्रियंका जी ने भी कभी लालसा का परिचय नहीं दिया। उन्होंने कहा एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पद से मोह नहीं रखा। राहुल जी जो भी निर्णय लेते हैं कांग्रेस पार्टी पूरे समर्पण के साथ, जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि राहुल जी जब जैसा आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं, और पहले दिन जब CWC की मीटिंग हुई थी राहुल जी ने इस तरह के वक्तव्य दिए थे, तभी उनने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। हम पूरी पार्टी कमलनाथ जी, सारे मध्य प्रदेश के नेता, सारे देश के नेता, सारे MLAs, कोई भी राहुल जी के हर निर्णय में उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के है। भोपाल न्यायालय परिसर में एक महिला वकील की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जब बहुत देर तक एम्बुलेंस नहीं आई तो उन्हें निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सके। भोपाल के जिला न्यायालय में आज एक महिला वकील की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वकील का नाम बसंता गिडवानी बताया जा रहा है। करीब 20 मिनट तक कोर्ट में 108 एम्बुलेंस का इंतजार होता रहा, लेकिन निजी वाहन से अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बसंता की अदालत परिसर में ही अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद वहां मौजूद सहयोगियों ने तुरंत डायल 108 किया। इस दौरान उन्हें वाहन परिसर की बेंच पर ही लिटा दिया गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई तो उन्हें निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। करीब 4 साल पहले रीवा से लापता हुए एक 25 वर्षीय युवक की सूचना पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद होने की मिली है। युवक की पहचान के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने रीवा पुलिस से युवक के मूल दस्तावेज भी मांगे हैं। पाकिस्तान की जेल में होने की खबर से युवक के परिजन सख्ते में। करीब 4 साल पहले रीवा से एक 25 वर्षीय युवक लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाई गई थी। रीवा पुलिस को अब यह सूचना मिली है कि यह युवक पाकिस्तान के लाहौर की जेल में बंद है। युवक की पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रीवा पुलिस के युवक के मूल दस्तावेज मांगे हैं। लापता हुए अनिल साकेत के पाकिस्तान में होने की खबर जैसे ही उसके गाँव में पहुंची तो हर कोई आश्चर्यचकित था। परिजनों ने PM से अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री मेरे पुत्र की सहायता करें ताकि वह घर वापस आ सके। मोदी जी सबकी मदद करते हैं और मुझे यकीन है कि वह मेरी भी सहायता करेंगे। गायब हैं 2015 में। 2015 में कई साल हो गए? 4th साल लगा है। अच्छा, तो अपना का कस के पता चली कि? पता हमका नहीं चली, आई रही मौका करे पुलिस आई रही। कहाँ की पुलिस? नई गढ़ी। तो बोलिन कि लड़का हैरान है, पाकिस्तान में 3 साल से बंद है। तो उनका आधार कार्ड, वोटर ID सब ले आ कर दे तो हम लग जाए के जमा करब तो वहाँ लड़का आई जाए। तो फिर वहाँ से आन तो पूरा रिकॉर्ड लेके गए गांव में, तो पूरा देहन तो फोटो कॉपी करा के यहाँ से लाइए। अब मोदी जी से यही कहा चाहिए थी कि हैरान भूलान हवाई आए तो कुछ राई रक्षा कर देते, कौनो सहाय कर देते, आई जात हमारा लड़का आई जात तो के सुविधा मोदी जी खूब दे साफ कर दे। पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से हमें एक पत्र मिला है जिसमें पाकिस्तान की जेल में बंद एक युवक के संबंध में हमसे जानकारी मांगी गई है। फोटो और अन्य जानकारियां जिले के गांव से 4 साल पहले गुमशुदा हुए एक युवक से मिल रही है, जिसके बाद पुलिस जाँच में पाया गया कि अनिल साकेत नाम का युवक जिले के नाईगढ़ी थाना क्षेत्र के छदन हाई
गांव का रहने वाला था जो कि 10 जनवरी 2015 से लापता था। एसपी ने बताया कि जानकारी भारत सरकार को भेज दी गई है। हालांकि अनिल को भारत कब तक लाया जा सकेगा इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिसमें उन्होंने कोई अनिल कुमार नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ डिटेल्स भेजे थे और इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग को पूछा था कि क्या इस नाम का व्यक्ति इस तरह की फ़ोटोग्राफ का और इस गांव में क्या निवासरत रहा है कभी, और उसके बाद हम लोगों ने जब पुष्टि की तो 2015 से नईगढ़ी थाने में ये एक व्यक्ति है जिसके सरनेम में थोड़ा सा चेंज है लेकिन बाकी फ़ोटोग्राफ्स और जो और डिटेल्स हैं वो उसी से मैच कर रही हैं और वो यहाँ पे गुमशुदा है 2015 से, तो संभवतः वही व्यक्ति है जो जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछताछ कर रही है और वो संभवतः पत्राचार से ही पता चल रहा है कि वो शायद पाकिस्तान की किसी जेल में निरुद्ध है। तो हम लोग ने ये डिटेल्स यहाँ से वेरिफिकेशन करके भेजना था, वो भेज दिया है। प्रदेश में चल रही करीब 28,000 आंगनबाड़ी किराए के भवनों में चल रही है जो कि 8 माह से किराया न मिलने के कारण बंद होने की कगार पर है। लेकिन अक्सर अपने भाषणों में गलती के कारण विवादों में रहने वाली महिला बाल विकास मंत्री मर्ती देवी आंगनवाड़ियों में एसी और कूलर लगवाने की बात कर रही हैं। अब मंत्री जी को ये कौन बताए कि एसी और कूलर लगाने के लिए तो भवन जरूरी है। प्रदेश के मंत्री या तो समझ नहीं रहे या फिर समझना ही नहीं चाह रहे। प्रदेश की महिला बाल विकास इमरती देवी आदर्श आंगनबाड़ियों में एसी और कूलर लगवाने की बात कर रही हैं। शायद उनको पता नहीं है कि प्रदेश भर में चलने वाली करीब 28,000 आंगनबाड़ी किराए के भवनों में चल रही है जो बंद होने की कगार पर है। मकान मालिकों को 8 माह से किराया नहीं मिला। इमरती देवी को समझाने की जरूरत है कि पहले भवनों का किराया देना जरूरी है ताकि आंगनबाड़ियों में ताले न लगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों किराया न मिलने से नाराज मकान मालिकों ने आंगनबाड़ियों में ताले जड़ दिए थे और बच्चों को धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ा था। अधिकारियों को जानकारी देते हुए भी अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अधिकारी इसकी सूचना कलेक्टर तक को देना उचित नहीं समझते हैं। एक तरफ आंगनबाड़ियां बंद होने की कगार पर हैं, वहीं मंत्री का आदर्श आंगनबाड़ी में एसी और कूलर लगाना बेईमानी लगता है। कूलर भी लगा सकते हैं, पंखा भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें वो प्रोसेस मिला कि हमारे बच्चे अच्छे बच्चे आ रहे हैं और व्यापारी और दुकानदार और अधिकारी और नेतन के बच्चे आ रहे हैं तो मैं ऐसी ही व्यवस्था करूंगी। लेकिन उनके माँ बाप को सोचना पड़ेगा पहले कि जो एक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी बनाऊंगी, जब उसकी उपलब्धि मुझे अच्छी दिखाएगी कि हाँ इसमें आप सबके बच्चे आने लगे, तो मैं हर आंगनबाड़ी में अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ मॉडल बना के रखूंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, कोई एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो, ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचा है, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो, पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रही हूँ। ये संभाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे बेल्लूर से, है ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई। ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ। पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया, ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रही हूँ। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रही हूँ। और हमले तो बढ़ेंगे ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल जाए। और भैया, अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर थे उधर थे, ये देखने को मिल सकता है, बता रही हूँ। ये सब भुनभुरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रही हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया। हाँ, बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया, खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊंची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ, पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ, ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे। वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी,
उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफर हो गया, ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे और उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ, यह भी बहुत आलतियों की कमी नहीं है, बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में, बता रहा हूँ। हल्के में मतलब भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कप चल जाए क्या चल जाए। अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। और अभी विराट कोहली का फोन आ रही है हमें, मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको। तो ये नमस्कार, मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।